इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमको हमारा यह लक्ष्य तो नियत करना ही पड़ेगा कि हमारा जो लक्ष्य है वह क्या है। मैं एक बात प्रति कथा में कहता हूं, मनुष्य शरीर पाकर गृहस्थ व्यवहार में रहो, विरक्त में रहो, संन्यास में रहो, अथवा चाहे जहां संग्रह उसका करना चाहिए जो यहां भी साथी है और परलोक में भी साथी है। कोई हो, हम हो, आप हो, साथी लोग हो, हमारे मुखिया लोग हो, कोई हो, परमार्थ का ही साथ है। परमार्थ क्या है? राम प्रेम परमार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत श्रम। नारायण नारायण। अलख अनादि अनुपा राम ब्रह्म परमारथ स्वरूप है। अर्थात राम प्रेम, कृष्ण प्रेम, शिव प्रेम, शक्ति प्रेम, भगवत प्रेम परमार्थ है। अब मैं तो ये मानता हूं कि आप सबका भगवत प्रेम दृढ़ है, बहुत अच्छा है, सभी का भगवत प्रेम दृढ़ है। तिवारी जी, भगवत प्रेम ही परमार्थ है। राइट डाउन, भगवत प्रेम परमार्थ है। अब ये जगेगा कैसे? पुण्य से। हम लोग नगरों से अधिक कथाएं तीर्थों में करना प्रारंभ किए। क्यों? तीर्थ में कथा करने से अपना तो पुण्य बढ़ता ही है, जो सुनते हैं उनका पुण्य बढ़ता है, और जो आ जाते हैं दर्शन करने उनका भी पुण्य बढ़ता है। आप और हम जितना पुण्य अर्जन कर लेंगे उतना परमार्थ में दृढ़ हो जाएंगे। तभी हम लोग यहां के बाद लखनऊ कथा करेंगे, सीधे लखनऊ है ना, फिर अयोध्या जी राम जन्म महोत्सव मनाएंगे, और वहां से चार दिन बाद झांसी कथा है, झांसी के बाद उज्जैन महाकुंभ 30 अप्रैल से 8 मई कथा। अयोध्या जी तीर्थ है, 50,00,000-1,00,000 लोग आते हैं भगवत दर्शन करने, वहां प्रतिवर्ष आनंद करते हैं। क्यों? पुण्य बढ़ेगा। हमको आपको सबको पुण्य बढ़े ऐसा प्रयास करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, दान करना पुण्य नहीं है। दान अलग पक्ष है और पुण्य अलग पक्ष है। दान धर्म है और पुण्य कर्म है। झांसी में बोला था ना, धर्म और कर्म। दान करना धर्म है और पुण्य करना कर्म है। दान करने में कुछ व्यवहार नहीं और पुण्य करने में कुछ खर्चा नहीं। दान तो करिए, टेलीफोन से दान कर दीजिए, कुछ करना नहीं है, परंतु पुण्य में करना पड़ेगा, खर्च नहीं है। दोनों को धीरे धीरे विचारिएगा। दान में कुछ लगता है, एक मुट्ठी चावल ही लगेगा, दान है। पुण्य में कुछ खर्चा नहीं है, हर न फिटकरी रंग चोखा। लिखा मानस में पुण्य पुंज बिनु मिलहिं न संता, सत्संगति सं श्रित करयन्ता पुण्य
क्रम बचन विप्रपद पूजा पुण्य के। लक्ष्मण गीता भगवान वचन विप्रपद पुण्य पुंज पुण्य 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 बढ़े बढ़े तो पुंज होगा। पुंज माने बुके गुच्छ पुंज। पुण्य इकट्ठा करे 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 पुण्य जब एकत्र होगा तो संत भाव में प्रेम होगा, संत स्वरूप में स्नेह बढ़ेगा, विप्रचरण अनुराग बढ़ेगा और परिणाम से भगवत प्रेम को दृढ़ता प्राप्त होगी। तत्पश्चात हमारी भक्ति देवी जग जाएगी और आगम आवागमन से मुक्ति का प्रयास तो नहीं करना है, भक्त को तो आना जाना लगाए रखना पड़ेगा। वो मोक्षगामी मोक्ष भावी लोग और हैं, हम आप भगत जगत है, हमको तो सहज अवस्था में रहना। मूल क्या है? अतो पुण्य बढ़े मानव तन पाकर पुण्य बढ़े। देव दर्शन से पुण्य बढ़ता है, गौशाले जाकर प्रणाम करने से पुण्य बढ़ता है, बरगद पीपल पाकर आम जामुन तुलसी जी इनके दर्शन करके प्रणाम करे से भी पुण्य बढ़ता है, श्रेष्ठ संत के चरण में वंदन करने से पुण्य बढ़ता है। नदी सरोवर को प्रणाम करके पुण्य बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। क्या खर्चा है? हम लोगों ने भक्ति पथ को गडम गड्ड कर दिया, एक मार्ग रहा ही नहीं। मैं आपको कुछ नहीं करने को कहता हूं, केवल ये करने को कहता हूं कि आप भगवान का स्मरण करो। ध्यान रखिएगा कि पूजा पाठ भी भक्ति में पहला दूसरा क्रम नहीं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति यमान, चौथी भगति मम गुण गण कर कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, छठम दिल बीर शैल बीरति बहुकर्मा, सातम समय मय जग देखा, आठम यथा लाभ संतोषा, नवम सरल। इसमें कहाँ पूजा पाठ है? नहीं लिखा भगवान ने शबरी अम्बा से कुछ कहा? नहीं। पूजा पाठ तो हम अपने चित्त को आनंदित करने के लिए करते हैं। हम जब पूजा करते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं, हे भगवान चकाचक हो गए, दिव्य हो गए, आनंद भाव में हो गए। आपने देखा होगा जिसको भगवान में श्रद्धा न हो और उसको कह दीजिए कि आज पूजा आप करेंगे, इतना पैर पटकेगा आप कहेंगे अच्छा मत करो रहने दो। तो श्रद्धा भक्ति का काम है भैया, बट पूजा एक प्रोग्राम नहीं है और पूजा अनिवार्य भी नहीं है कि करिए ही। आपकी श्रद्धा हो तो करिए, न श्रद्धा हो न करिए। पूजा एक व्यवहार है, जैसे हम अपने शरीर की, कई लोग अपने शरीर के प्रति बड़ा सावधान रहते हैं, सिर में क्या लगाना है, मुंह में क्या लगाना, हाथ में क्या लगाना, पांव में क्या, बड़ा सावधान रहते हैं, इसी में पूरा समय गंवा देते हैं। और बाबा
गरल असन दिग वसन व्यसन भंजन जन रंजन एलो क्या हमारे जीवन का जो लक्ष्य हो, हमारे जीवन का जो ध्येय हो वो क्या हो, हमारा चित्त परमात्मा की ओर कितना बढ़ रहा है, हमारे हृदय में भगवत स्मरण कित भाव से उतर रहा है, हमारा प्रेम बढ़ा क्या। आप जरा स्वयं में विचार करिए, हम कथा सुना रहे हैं तो कथवा सुना के हमारा मन हमारा हृदय ठाकुर जी की ओर बढ़ रहा है कि झंझटे में उलझे जा रहे हैं। और आज की पहली बात उलझिए मत, अरे महाराज इतनी बड़ी उलझन है, बिटिया का ब्याह नहीं हो रहा, लड़के का एडमिशन नहीं हो रहा, बहू आ गई कोई बात सुनी नहीं रही है, यहाँ रहे वहाँ रहे बड़े झंझट। अरे भैया ये सब तो संसार का व्यापार है, व्यवहार नहीं है, संसार का व्यवहार नहीं है, व्यापार है, ये रहेगा ही। मेरे से काशी की कथा में किसी ने कहा महाराज कोई उपाय बताइए, हमारी पत्नी हमारी एक बात नहीं मानती, हमने कहा तुम हमसे पूछ तो हम किससे पूछें, ये कोई बात है, ये तो संसार है यार, ये तो चलता ही रहेगा। अरे सब ठीक कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं होगा, जो हो गया वो सब ठीक है, हम ठीक कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।